जी नमस्कार दोस्तों, लीजिए एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ मैं अपने चैनल के साथ में। अभी हम लोग जा रहे हैं RBO और पाली के अंदर जितने भी ये जो नगर परिषद है, नगर परिषद का ऑफिस है, ये टाउन हॉल जिसको बोला जाता है। और अभी हम जा रहे हैं RBO क्षेत्रीय कार्यालय SBI का, वहाँ जा रहे हैं। देखिए ये है हमारी पाली, मार्केट नहीं है इस साइड में। देखिए आगे एक कुछ अजीब सी गली आएगी, मैं आपको उस गली का नाम बताऊंगा तो आप भी सोचने लग जाओगे कि ऐसी कोई गली का नाम होता है क्या। यानी शाम के समय वहाँ पर खूब भीड़ होती है कस्टमरों की, बहुत से कस्टमर आते रहते हैं वहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, और ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है ये है हमारे पाली जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, भांगड़ हॉस्पिटल, भांगड़ चिकित्सालय। सबसे सामने जो गेट दिख रहा है ना आपको, वो वाला पाली जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है। अब देखिए ये जहाँ हम उड़ रहे हैं ना, जिस साइड में, यहाँ पर शाम के समय बहुत भीड़ होती है और इस गली का नाम है खाऊ गली। खाऊ गली इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर शाम के समय आपको जो है कई प्रकार के व्यंजन मिल जाएंगे आपको। आपको यहाँ पर मोमोज मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर जो है और कई तरह पर प्रकार के डिश आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए अभी भी लगे हुए, इडली डोसा है, फालूदा है, फालूदा आइसक्रीम है, ठीक है ना। अभी भी आने शुरू हो गया, ये देखिए, ये मावी इडली डोसा है, ठीक है ना। और ये है जोदाना स्वीट होम, ठीक है, ये अभी नई लगी है जोदाना स्वीट होम। और देखिए ये अभी पाली का भी विकास होने लग गया है, जब से संभाग में नंबर आया है पाली का, तब से जो है पाली का भी विकास होने लग गया है, होना शुरू हो गया है, कुछ समय लगेगा अभी तो, लेकिन विकास होने लग गया। देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल है, डॉक्टर रोशनलाल जैन हॉस्पिटल, और इधर डॉक्टर प्रतिभागत नर्सिंग होम है यहाँ पर, और यहाँ पर है रोडाबाद निकटतन उच्च माध्यमिक विद्यालय। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है इनके संस्थापक जो है उनकी जो है मौत हो गई थी, रोडाबाद स्कूल की जो है। ये है अहिंसा द्वार, देखिए अहिंसा द्वार कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। और ये जो है हाईवे है, ये रोड जाएगा आपके सीधा यहाँ से जाएगा अजमेर जयपुर होते हुए दिल्ली, अजमेर जयपुर होते हुए दिल्ली। और जो पीछे की साइड में जो रोड है ये वाला, ये जाएगा अहमदाबाद मुंबई की तरफ, अहमदाबाद और मुंबई की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको ट्रांसफर नगर, नया गाँव, सुंदर नगर, लौड़ियापा, जोधपुर, जनता कुलाड़ी, भांगड़ कॉलेज, बाबूनगर विस्तार, ये देखिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है। देखिए यहाँ से जो है मारवाड़ जंक्शन के लिए जीपें भी मिलती है यहाँ से, और आसपास के जो गांव होते हैं उनके भी जीपें यहीं से मिलती है। यहाँ पर SBFC बैंक है, ट्रांसपोर्ट नगर लिखा हुआ है। और देखिए एक ये है हमारे भांगड़ कॉलेज, भांगड़ कॉलेज जो है राजकीय भांगड़ कॉलेज है, ये वाली ये दिख रही होगी आपको मैदान में। और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड है राकेश जी नाम है इनका, और ये है श्रीराम हॉस्पिटल, श्री राम हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत फेमस हॉस्पिटल है। यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी हलचल रहती है, भीड़ रहती है यहाँ पर, सुबह शाम को बहुत भीड़ रहती है। अभी हम पहुँचने वाले हैं RBO, ये है महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कल है, ये देखिए। अब आगे हम RBO, रास्ता बंद है, ये RBO आगे है, और हमारे गार्ड साहब बैठे हैं यहाँ पर, गार्ड साहब हमारे इंतजार कर रहे हैं। RBO आगे हम लोग, देखिए हम लोग ये रास्ता बंद कर दिया, रास्ता बन रहा है इधर।
ये दोस्तों देख लीजिए, पाली हमारी जो है पाली पाली संवाद बन गया है। पाली से देख लीजिए, पाली दिखा रहा हूँ, पाली की मार्केट दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये रोड जा रहा है सामने वाला अहमदाबाद बॉम्बे की तरफ, और जो पीछे वाला जो रोड है नीचे वाला, ये जा रहा है अपने अजमेर दिल्ली की तरफ। देख लीजिए पाली को, आए थे आज कुछ काम था, मैंने कहा चलो आप दोस्तों को पाली के भी नज़ारे दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ ट्रैफिक रूल्स नहीं है, कोई ट्रैफिक रूल सही नहीं है यहाँ पर, जिधर जाओ जाओ आप, आपको खुद को गाड़ी को संभाल के चलाना पड़ता है आपको, वरना कोई भी अंदर आके घुस सकता है आपके। ये देखिए, ये नहर है जो जवाई बांध से आ रही है, और अब जा कहाँ रही है वो मुझे पता नहीं। जवाई बांध से आती है ये तो मुझे पता है, जा कहाँ रही है अभी तो अपने साथ साथ ही जा रही है, अभी पता नहीं आगे कहाँ जा रही है वो मुझे मालूम नहीं है। देखिए, ये एक बच्चों की स्कूल है सामने जो आपको दिख रही है, ये बिल्डिंग जो दिख रही है आपको, और यहाँ पर जो रेजिडेंस है डॉक्टर है, डॉक्टर लोग रहते हैं यहाँ पर ज़्यादातर। जो ये आपको बंगले दिख रहे हैं ये डॉक्टर लोगों का बंगला है, देख लीजिए आप। बहुत कम मौके मिलते हैं दोस्तों बाहर आने के, जब कोई साथ में होता है तभी जो है बाहर आ पाते हैं फ्रेंड के साथ में। देख लीजिए, ये ब्लॉग तो बना रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इस पर मुझे प्लीज़ लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अभी तो सिर्फ 25-26 ही सब्सक्राइब हुए दोस्तों। ये देखिए, ये है अपना जियो का टावर। ये देखो भाई साहब कौन सी जगह लेके जा रहे हैं, ये है इस्कॉन टावर। ये देखिए सामने जो दिख रहा है आपको इस्कॉन टावर, और यहाँ पे एक बहुत फेमस दुकान है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर हमारे जो पूर्व विधायक थे ज्ञानचंद जी पारक, पूर्व विधायक हाँ वो अभी चले गए हैं, तो ये जो ज्ञानचंद जी पारक है उनका भी मकान यहाँ पर ही है। ये देखिए यहाँ पर ज्ञानचंद जी, वो ये है ज्ञानचंद जी पारक का मकान। ये मकान जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला सामने, ये देखो ज्ञानचंद पारक लिखा हुआ है, ये वाला ये ज्ञानचंद पार्क का मकान। और यहाँ पर जो है हमारे पाली का जो गुलाब उलबाग बहुत प्रसिद्ध है, ये गुलाब ये गुलाब उलबाग की दुकान प्रसिद्ध है हमारे पाली में, स्वीट्स है, मिठाई है। ये अम्बेडकर सर्कल, ये नमस्ते, देखिए नमस्ते सर्कल। कोई भी पाली में आता है तो सबसे पहले स्वागत किया जाता है नमस्ते के द्वारा। यह है महात्मा गांधी विज्ञान उद्यान, उद्यान है, गार्डन है, यहाँ भी लेके जाएंगे कभी आपको। ये बैरो मोटर्स है, और ये है राम मंदिर, गीता भवन है ये, और ये आगे अपने नगर परिषद पाली के द्वारा बनाया गया महात्मा गांधी सर्कल। महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है अपन राष्ट्रपिता महात्मा जी है गांधी जी। ये रोड जाता है दोस्तों जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ।
दोस्तों गाड़ी यहाँ पर बहुत संभाल के चलानी पड़ती है, चारों तरफ से गाड़ी आती है, कह नहीं सकते किधर से भी कोई भी अंदर आकर रोक के चला जा सकता है। देखिए अभी ट्रैफिक अभी हुआ है, एक 3-4 सालों में ज्यादा, बाकी इतना पहले ट्रैफिक नहीं था, पहले इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक की जो पुलिस वालों की जो है यहाँ पर लगा हुआ तो है यातायात पुलिस का, लेकिन यातायात पुलिस तो मुझे यहाँ पर सब कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कोई ड्यूटी तो कर नहीं रहे हैं, ये पुलिस का सर्कल है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो जगह मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ यहाँ पर कभी बहुत ज्यादा रौनक हुआ करती थी। देखिए यहाँ पर अभी बिल्कुल उजाड़ है, देखिए यहाँ पर मंथन टॉकीज था दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर ना सिर्फ हमारे पाली में एक ही टॉकीज था, मंथन टॉकीज, उसको हटा दिया गया। ये देखिए गणेश मंदिर, ये शहीद पार्क है, शहीद पार्क, शहीद उद्यान, और आपको दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है सामने दिख रहा होगा अपना तिरंगा झंडा लहरा रहा है बड़े शान से। यहाँ पर ही जो है रेलवे स्टेशन है पाली का, पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन, सामने बिल्कुल जो रोड जा रही वो अपन जाएंगे इस साइड। देखिए तिरंगा झंडा दिख रहा है आपको, देखिए दुकान देखिए, ये जो जा रहा है अब ये जाएगा अपने सरोदय नगर की तरफ, रोड जा रहा है ये वाला, ये सीधा जाएगा पुलिस लाइन, ये रोड जा रहा है पुलिस लाइन। ये देखिए हमारा SBI ATM है, SBI का ATM बना हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पर जो अंडर ब्रिज है वो तो कहने का ही है, नाम मात्र का अंडर ब्रिज है, यहाँ पर बारिश के समय ये अंडर ब्रिज पूरा पानी से भर जाता है दोस्तों, और ये रास्ता बंद कर दिया जाता है, पूरा लबालब भर जाता है और इसको बंद कर दिया जाता है, और रात के समय भी ये भर जाता है, करीब करीब थोड़ा बहुत तो बढ़ता है रात के समय टैंक भी, और सुबह इसको मोटर लगा कर इस पानी को खाली किया जाता है। ये देखिए ये अंडर ब्रिज, इसमें अभी भी पानी दिखेगा, यहाँ 24 घंटे पानी रहता है दोस्तों। हम देखिए जा रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है आनंद नगर की तरफ, सदा सम्मान की तरफ, ये है दोस्तों सेवा समिति, जो वृद्ध लोग होते हैं उनको यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था होती है, निःशुल्क जो है यहाँ पर वो ठहरते हैं, उनकी जो है किसी प्रकार की जो है चिकित्सीय जो है कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दवाई भी यहाँ पर जो इनको निःशुल्क दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस बहुत इतना, फिर दूसरे वीडियो में और बताएंगे आपको, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू दोस्तों।